स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय कोचिंग क्लासेस पे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के लिए गॉस के प्रमेय समझेंगे। तो चलिए समझते हैं गॉस के प्रमेय। गॉस के प्रमेय होती क्या है, चलिए। किसी बंद आकार के पृष्ठ के भीतर यदि उपस्थित आवेश Q हो तो इससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई आवेश Q का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब क्या है, यदि कोई बंद आकार का पृष्ठ है और बंद आकार के पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q है तो इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या कहना चाह रहा है ये जो फाई होगा, थोड़ा छोटे लिखे दे रहे हैं, बन जाएगा वैसे। गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो फाई होता है वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस तरह इसका फॉर्मूला भी इस तरह निकाल आता है। क्या बोला इसने, किसी बंद आकार के पृष्ठ के भीतर यदि उपस्थित आवेश Q है तो इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी न किसी तरीके का इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए इसका निगमन भी पूछा जाता है, तो चलिए निगमन के लिए बात करते हैं। निगमन में क्या आएगा, हमें प्रूव करना है कि फाई बराबर Q/ε होता है कि नहीं होता, तो इसी बात को हम आगे प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हम करेंगे क्या, एक बंद आकार का हमने कोई पृष्ठ लिया और पृष्ठ के अंदर हमने एक बिंदु O ले लिया है। इस पृष्ठ को गोली गौसन पृष्ठ बोला जाता है। इसका जो सेंटर है वो बिंदु O है। गोली गौसन पृष्ठ के अंदर जो उपस्थित आवेश है वो Q है। Q से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। तो चलिए थ्योरी समझते हैं, थ्योरी में क्या बोला गया है। थ्योरी में क्या बोला गया है, चित्रानुसार माना बिंदु O पर आवेश Q रखा गया है। बिल्कुल सही कह रहा है, बिंदु O पर हमने कोई आवेश रख दिया है जो है Q। इसके वैद्युत क्षेत्र बिंदु O से r दूरी बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, आपको डायरेक्ट इसी तरह लिख देना है, 1/4πε0 आवेश Q इसी तरह आ जाएगा। बीच की दूरी क्या है, r, तो यहाँ पर क्या हो गया, r2। तो हमने क्या निकाला, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, तो E बराबर निकल के आ गया 1/4πε0 Q/r2। ये तो सिर्फ हमने निकाली है बिंदु P पर, ठीक है। अब आगे समझते हैं आगे क्या बोला गया है, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब चलिए समझते हैं आगे क्या बोला गया है। आगे कह रहा है कि बिंदु O के चारों ओर Q के वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश जहां पर रखा गया है, इसके वैद्युत क्षेत्र में इसका वैद्युत क्षेत्र कितना विस्तार है। वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P से गुजरने वाला एक गोली गौसन पृष्ठ खींच देते हैं। O से R दूरी पर जो बिंदु P है इससे गुजरने वाला एक गोली गौसन पृष्ठ खींच देते हैं, ठीक है। और ये गोली गौसन पृष्ठ काल्पनिक होता है, इसको सिर्फ माना जाता है, ठीक है। गौसन पृष्ठ खींचते हैं, बिंदु P के चारों ओर वेक्टर dA सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया गया है। बिल्कुल सही है, इसका जो एरिया है वो तो काफी बड़ा है, लेकिन हमने मानने के लिए बिंदु P पे एक छोटा सा हमने क्षेत्रफल ले लिया है। इस क्षेत्रफल को हमने कह दिया वेक्टर dA। हमने dA क्यों लिया, क्योंकि देखो बड़ा क्षेत्रफल होता है तो सिंपल सा हम A ले लेते, लेकिन यहाँ पर dA बोला गया। dA का मतलब होता है कि इसका छोटा सा पार्ट लिया हमने, तो यहाँ पर हमने dA से शो कराया है, ठीक है। मतलब बड़े से क्षेत्रफल को हमने छोटा दिखाने के लिए dA लगा दिया है, तो उस तरह हमारा हो गया, ठीक है। बिंदु P के चारों ओर वेक्टर dA सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया गया है। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस बिंदु P से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, इसके बाद संपूर्ण गौसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गोली गौसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो चलिए पहले क्या करेंगे, पहले बिंदु P से गुजरने वाला गोली गौसियन पृष्ठ निकालते हैं। डी फाई इक्वल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा, क्या होता है ई डी ए कॉस थीटा, इसका ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी होता है। अब ई डी ए हो जाएगा, कॉस थीटा की बात करें थीटा की वैल्यू कितनी होगी, चलिए थीटा की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी का जो दिशा है वो एक ही ओर है, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, दोनों की जो दिशाएं हैं एक ही हैं। और यदि दोनों की दिशाएं एक ही हो जाती हैं, एक ही दिशा में दोनों हो जाती हैं, तो वहां पर जो थीटा का मान होता है वो जीरो हो जाता है, कितना जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह हम कह लेते हैं कॉस जीरो, क्यों कर देंगे, हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि वेक्टर
ई व विक्टर डीए की दिशा एक ही ओर है इसलिए थीटा बराबर जीरो होगा। ठीक है, ये रीजन आप बगल में ले सकते हैं और लिखना भी जरूरी है। भाई आपने जीरो किया क्यों किया? अब ये जानते हैं कि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो इस तरह हमारा हो गया वन, तो कोई मतलब नहीं लिखने का। तो डी फाइव वैल्यू हमने निकाली है भी। अभी क्या निकाली हमने? बिंदु पी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला है। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें संपूर्ण गोली के प्रश्न निकालने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो वही बात आ गई यहाँ पर, जिसके पहले वाले मैं आपको बताया था कि कोई भी छोटी वैल्यू होती, छोटी वैल्यू है, यदि इसको हमको बड़ी करनी है तो उसका समाकलन करते हैं। ठीक है, समाकलन करने पर वो छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो अब करें क्या, इसके बाद हम इसका हम समाकलन करेंगे, जिससे हमें संपूर्ण गोली क्वेश्चन पेपर से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसका समाकलन कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि यदि इसका समाकलन छोटा है, इसको हमें बड़ा करना है, तो इसके समाकलन करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा फाइव। अब डी हट जाएगा तो ऑटोमेटिक वो बड़ा हो जाएगा। इसके बाद ई का समाकलन होगा नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। अंदर हमारे पास हो जाएगा ई डी ए फाइव। ठीक है, आप चाहें तो ठीक है, फिलहाल ई हो जाएगा और डी ए, अब डी ए का समाकलन होगा तो यहाँ से भी डी हट जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा ए। तो इसका समाकलन होने के बाद हमें फाइव बराबर ई ए निकल के आ गया। लेकिन हम ये नहीं प्रूफ करना, हमें प्रूफ करना था कि फाइव बराबर की ओपन सलिनट होता है कि नहीं होता। ये प्रूफ करना, चलिए देखते हैं प्रूफ होता है कि नहीं होता। चलिए, तो फाइव बराबर ई की वैल्यू तो पता होगा आपको, अभी ऊपर हमने निकला समीकरण एक डाल के करवाया था, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू हमने लिखवाई थी। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण एक से क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो गया। अब ए क्या होता है? क्षेत्रफल। अब आपको दिख रहा होगा कि गोली गॉसियन स्पष्ट है, मतलब एक गोला है और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहां लिख सकते हैं ए बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, करेंगे इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कैंसिल क्या आ गया, क्यू 5 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ करना था, बिल्कुल ये प्रूफ करना था, और ये होती गॉस की प्रमेय। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।